खरगोन थाना क्षेत्र के सौमित्र नगर में विद्युत पोल पर काम करते समय गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक एमपीबी के कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में मजदूरी का कार्य कर रहा था। मामले में ठेकेदार सहित एमपीईबी पर लापरवाही का आरोप लगा है। रविवार सुबह पीएम से पहले जिला अस्पताल में परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। हालत बिगड़ते देख अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मृतक आदिवासी समाज का होकर बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष अस्पताल पहुंचे थे। एसडीएम ओम नारायण सिंह ने बताया, ग्राम बड़ी निवासी खेलतीराम डावर नाम युवक विद्युत ठेकेदार मालवीय के पास काम करता था। शनिवार शाम करीब 5 बजे उसे अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ठेकेदार मालवीय के मुताबिक खेलतीराम पोल पर चढ़कर काम कर रहा था, इसी दौरान फिसल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। खेलती राम की मौत पर गांव के सरपंच दयाराम ने उसके परिवार के जीवन यापन के लिए मुआवजे की मांग करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि एसडीएम के समझाइश के बाद ठेकेदार ने मुआवजा देने पर सहमति देते हुए 5 लाख नकद, 4 लाख का चेक और 3.5 लाख रुपए का बीमा क्लेम दिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद पीएम कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सर, ये दुर्घटना हो गई थी, उसके बाद अस्पताल में भीड़ इकट्ठी हो गई, एसडीपी साहब और आप मौके पर पहुंचे, क्या मामला सर? ये सुमित्रा नगर में जो पोल कॉन्ट्रैक्टर है जो एमपीबी के, वो एक किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट पर उनके कर्मचारियों से काम करवा रहे होंगे, तो पोल से गिर के उसकी डेथ हो गई थी। उसी को इशू को लेकर के यहाँ पर हॉस्पिटल, उनके परिजन और उनके संबंधी यहाँ पर आए हुए थे और कुछ कंपनसेशन की मांग कर रहे थे, क्योंकि इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, जीवन यापन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसको लेकर के यहाँ पर उनकी मांग थी। ठीक, तो क्या करा था इसमें? जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, और उसको जिसके यहाँ डेथ हुई है, उनके परिजनों सरपंच की मिलकर बात हुई है, उसके अंतर्गत 5 लाख रुपए भी कैश उनके उसमें अकाउंट में डलवा दिए जाएंगे, 4 लाख रुपए का वो चेक दे देंगे और 3.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है उनके बैंक से, तो वो भी क्लेम किया जाएगा और जो भी सहायता होगी विधि के अनुसार उनकी सहायता की जाएगी। एमपीबी की लापरवाही, इसमें अभी एमपीबी को भी अपन ने ध्यान में रखा है, एक्चुअली वो एमपीबी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इसमें मेन बेस अभी कॉन्ट्रैक्टर पर शुरू होता है और फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत लाइबिलिटी होगी जिस भी अधिकारी की या विभाग की होगी, वो उसके जवाबदार होगा। नारायण साहब, एक बड़ी लापरवाही हुई, एक युवक की मौत हो गई, क्या मामला है? सर, ये ठेकेदार साहब, जो ठेकेदार जो नितिन मालवीय है, इसके उसमें काम चल रहा था, तो एक लड़के के साथ में दुर्घटना हुई है, उसकी मौत हो गई है। अब जो कार्रवाई है वो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और एमपीबी की जो कार्रवाई होगी वो नियमानुसार होगी। अचानक, मतलब वो कई करंट आया होगा या पोल से गिरा होगा, ये तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। पीएम रिपोर्ट के बाद मालूम पड़ेगा कि उसको करंट लगा कि क्या लगा है। जनरली बिजली बंद की जाती है तो एमपीबी की जिम्मेदारी होती है ना? नहीं, पर ये लापरवाही तो एमपीबी की है ना, ठेकेदार कैसे दोषी होगा? नहीं, इसमें काम वर्क ऑर्डर उन्हीं को रहता है, उन्हीं को काम करना रहता है। सुरक्षा उपकरण नहीं जांचे गए थे क्या? सुरक्षा उपकरण जो दिए जाते हैं, ये हमारा एम्प्लॉइज नहीं थे, हमारे एमपीबी के एम्प्लॉइज नहीं है, रहते हैं। तो क्या मान लिया जाए सर कि ठेकेदार द्वारा सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे? इसके बारे में अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। क्या नाम है मृतक का? जिम्मेदारी किसकी होती है? खरती राम है। कितने साल का है सर? ये इसका पूरा आइडिया नहीं है, खरती राम नाम है वो। बिजली बंद चालू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है काम के दौरान? काम के दौरान अगर मालूम रहता है तो हमारी रहती है, लेकिन इस काम में हमको कोई सूचना नहीं थी कि यह काम करने जा रहे हैं वहाँ पे। क्या नाम है? अनिल महाजन। मामला क्या सर, आप भी थाने पर? देखिए, भगवानपुरा क्षेत्र के ग्राम बड़ी का एक युवक था, जो कि एमपीबी ने जो पेटी पर कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके यहाँ काम करता था। रात को सौमित्र नगर में कुछ लाइट सुधारने के लिए जो उनका सूबेदार है, जो उनका वो है सुपरवाइज़र, उसने उसको खंभे पे चढ़ाया और उसके लिए विधिवत परमिट प्राप्त नहीं किया, जिससे कि वो करंट लगा उसको और नीचे गिर के उसकी करंट से डेथ हो गई। आज ग्राम बड़ी के आसपास के काफ़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए और आक्रोश प्रकट किया है, उन लोगों की ये इसमें लापरवाहीपूर्ण ढंग से कार्य करने का मामला है। हम इसमें जो जिस सुपरवाइज़र है और जो इस कंपनी का मालिक है उनके विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज करेंगे। इन लोगों का मुआवजे के बारे में कुछ सेटलमेंट हुआ है, जिसकी प्रतिपूर्ति जो है क्या ठेकेदार द्वारा की जा रही है,
बाकी शासन की योजनाओं का जो भी लाभ है, संबल का है या अन्य जो लाभ है, उसके लिए SDM साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उसका पालन कराएंगे। MPB है कि चालू करती है जब भी काम होता है। देखिए, MPB के इंजीनियर यहाँ आए हुए हैं, उनके अनुसार उन्होंने ये पूरे मेंटेनेंस का ठेका दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट का। और जब भी कोई MPB का काम किया जाता है तो पहले परमिट प्राप्त किया जाता है कि उस तरफ का परमिट, कि उस तरफ पूरी लाइट बंद करेगी। इसमें लापरवाही ये सामने आई है ठेकेदार की कि उसने परमिट प्राप्त नहीं किया, जिससे एक बेकसूर व्यक्ति की जान चली गई। और उस पर हम सख्त धाराओं में, जो इंडियन पेनल कोड है, उसमें कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।